वाला बही फी हजई साओ ते वफी कुल साथ मिन साओ ते लेले वना हर वलियन व हाफिजन व कायदन व नासिरन व दलीलन वायनन हताओ तुस्के नहू अर्जक तवन व तुमते फी हाओ तवीला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद या मौलती या सैयदत वगीसीनी या मौलती याओ सैयदत वगीसीनी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सारे सहबान हुसैन बादशाह दी अजमत ते मिल के सलवात पढ़ो। मेरे छीवे आका मेरे छीवें आका फरमेंदे ने जड़ा बंदा चाहते मेरे घर ते राम तो नजूल होवे औलाद नेक होवे रिज़्क़ च इजाफा होवे ओ बंदा सन चौदह की जात ते खुले चेहरे नाल उचे आवाज नाल सलवात पढ़े। बिशारते जिंदगी पंद्रह रजब कसरे बीबी ज़ैनब इंशाल्लाह रात 8 से 9 हाजरी हो सी। मेरे बाद मेरे इस ताले भाई थोड़े इलाके का नाज फखर मलिक अली आवास अस्करी साहब मेंबर थे तशरीफ फरमाए क्योंकि मौसमी हालात की वजह तो हर जाकिरीन की मजबूरी बानियान की भी मजबूरी है। मैं एक थोड़े वक्त मुकम्मल मजलिस पढ़ना चाहना। मैं चंद लम्मे उस मुखदरा मखदूमा बीबी की शान बयान करना चाहना जिस बीबी दे बाप का नाँ है मोहम्मद मुस्तफा। जिस बीबी दे आयाम चल रहे हैं मैं बीबी दी फजीलत दे एक दो जुमला पढ़ना चाहना अगर इजाजत होवे तो से। चलो जेड़ा बंदा जबान रख दे ते मलिक जी अजा हलेंदा सर बैठे चलो मैं इतों आसान करके आखा चाह जिस बीबी दी अम्मा का नाँ है मलिकतुल अरब। कितने बुले सन पिंड दादन खान हले सही तो कितने भेजन सर हले सन। चलो इस तू बुजुर्गों में आसान करके आख रहे थोड़ी मोहब्बत को वेख के चाचा जी जिस बीबी दे सरताज का नाँ है अलीयन मुर्तजा। पिंड दादन खान हले आते कुछ चुपते नाजे मैनु नजफ दे वाली दी अतात नाजे। कितने बुले सो दे कितने सर हले सन कितने सैयदादा सजे खबे वेख सन अली जैसे सरताज दी मौजूदगी विच जिस मस्तूर नो कुरान बतूल आखे शरीयत दी जबान चो को जहरा देन। तेरा ध्यान जिक्र आले पासे होवे तो जो मेरे पासे होवे उसनो जनाबे सैयदा देन। कौन सैयदा क्या मकाम अता कीते अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा दी धी को। मेरे शिया सुन्नी भाइयों मेरे सामने नमाजी मजमा शिया सुन्नी अहबाब तशरीफ फरमाओ जे नमाजी अजादाराम भाई अली अब्बास थोड़े मजमे लफ्ज की कदर न की थी जितने तक वैसा बुजुर्गों में दुख लेके वैसा याद रखे। मेरे शिया सुन्नी भाइयों जिस बीबी दी तस्वी नमाजी दी नमाज को दर्जे कबूलियत तक पहुंचा देवे उको जहरा देना। जेड़ा चुप रह गया भेजन सारी जिंदगी चुप रह वैसी। मैं घंटे तो मजमून मिनट च पढ़ना चाहना। मेरे शिया सुन्नी भाइयों याद रखे कायनात तारीख निस्वान पहली मस्तूर है जनाबे सैयदा जेड़ी अपने शोहर दे बराबर है। सही लाई चल रही है पढ़े लिखे जहीन मजमा चेरे तशरीफ फरमाओ मजलिस दी जीनत लोग अजादार बाबू जी तशरीफ फरमाए। बाबू जी कोई है थोड़े मजमे जेड़ा खड़ा हो क्या के गुलाम बस असा पिंड दादन खान इच मियाँ ते बीवी बराबर डिठे। चलो इतना नहीं जेलम इच डिठे होवे इतना नहीं मंडी डिठे होवे नहीं हो सकता। कायनात इच पहला और आखिरी रिश्ते अली और बतूल दा जिथा मियाँ ते बीवी बराबर इन कौन बीवी है ओ है जनाबे बतूल
पूरा पिंडाल पिंड दादन खान दा उठी के दाद देवे ना चाचा जी दाद दा वजन भेजन थोड़े ही के लफ्ज दा वजन ज्यादे बतूल आधे कह कुहिन पिंड दादन खान लिया कुरान इच उस हस्ती नू बतूल आधे जिस मस्तूर नू अल्लाह दी इबादत करण कीते वजू दी जरूरत ना होवे। बोला कर यार जे कुल्ला जबान अता कीती ए हद किसे दे अगे मोहताज ना होवे। सारे बुलाए भाई मुसलमाना अली दे पुत्रां चो ढेर अब्बास नू मारे ने धीआं चो ढेर मुसलमाना बीबी जैनब नू मारे है। ये शाम है जिहड़ी दो इमामां नू रत रवा गई है। इतने शाम दे जाहिर बैठे ने मेरी गवाही दे सन जिहड़े नहीं गए जोली चा के दुआ कर रहे हैं अल्लाह इतने तक मौत न देवी जितने तक भेण भेरा दी नगरी न वेखे अल्लाह तेन शाम ले जावे ना वंज वेखे जेडे शाम दे जायर इन्होंने दजियन पहुँचे सी अज ओ तख्त मौजूद है जेड़ा जमीन कोलों सतारह पौड़ियाँ उचे ये यजीद बैठे तख्त है इंदे चौगिरदों डिठ डू फुट दी सफेद रंग दी दीवार आई हुई है वो झार दसे सी जिता कोई सैयद अजादार बैठा उसी पिंड दादर खाना लिया यजीद चाचा जी बैठे तख्ते सामने खड़ियन अली दियाँ शरीफ धीं ते नुआ एक कुत्ता उच्चे आवाज नाल बैठा दे मैं बागी मराया है मैं पढ़ छोड़े ते चुप करके सुन छोड़े रोवन वाले जदा तीजे दफा किस ना मैं बागी मराया जिमें दाई फिजा दी खाण ते ना मेरी आली असर थोड़ा जहाँ मैं एक दवाज बुलंद कर दे बाकी ठीक चल रहे मालिक रिज़्क़ की चीज़ आफ फरमावे जदा तीजे दफा किस ना भई जान जो मैं बागी मराया मेरी सैन दे ए सजे पासे यहया नबी दी मजार आई अज पक्की मजार है उस वेले सही कच्ची मजार आई जदा आखे ना मैं बागी मराया बुजुर्गो थोड़ी लुड़दी हुई हंज की कसम है दाई फिजा दी कण तू आलिया जख्मी पहचानी चाहिए ते बाबे दे लहजे च बोल के पई आदी ओ कमीना बकवास न कर मैं अली दी वलिया धीआं आखें मैं याहिया नबी नू हुक्म देवां मेरे हुसैन दी सदाकत दी गवाही देवे थोड़ी है निकलिए पिंड दादन खान अलिया थोड़ी लुड़दी हंज की कसम है सजाद वाका फरमेंदन मेरी फुपी की गल मुकीये याहिया नबी दी भेजन कबर एरा तक खलीए सजाद कड़ियां तौक जंजीर कुंज के ना फुपी दे कोल आके पिया दे अम्मा नबियां नू तकलीफ न दे मैं सजाद जो जींदा मरहबा मरहबा सुभान अल्लाह ये हुण रुन्ने हो जिवें मैं चाहुंदा हां अजादारो केड़े रंग च हो सकदा है अहले सुन्नत भाई मजले से चाहे बैठे होवन रिवाज समझा के आ पढ़ देवां अजादारो केड़े रंग च मेरी सैणी खड़ी हैं अगे अगे खड़ी है जनाबे फिजा सैन दी है करेंदा आवे जे रोवण ना आवे फिजा सैन दी कंड पिछे खड़ी है जनाबे आलिया सैन दी कंड पिछे सही खड़ी है जनाबे उम्मे कलसोम सैन उम्मे कलसोम सैन दे कंड पिछे खड़ी है लाहौर दी मलका गाजी दी बहन रोवन आलिया गाजी दी बहन दे कंड पिछे खड़ी है अली असगर दी मां रबाब सैन दी कंड पिछे चाचा जी खड़ी है अली अकबर दी मां लैला सैन वो आए नहीं जड़े सत्तर ते है ते मातम न करे पिंड दादन खान आलिया नाल खड़े ने हिक रस्सी च पीऊ ते पुत्र कैद सुभान अल्लाह तैयारी करावे अजादारो पीऊ ते पुत्रन दे दरमियान इच खड़िए हुसैन दी चार सालां दी जख्मी कन्ना ली दी छोटी औलाद लिया तेरी है दी कसम है कह ले सज्जा पैर जमीन तू चेंदी है कह ले खब्बा पैर जमीन तू चा के ना बिरा दी रतवां दी वेख के दी सजाद पुछे आ मैं थक पई आ कमीने हुसैन दा सर थांग तो लव है सोने दे तश्ती च रखे बेजन ए थोड़ा जी में मंजर बनावन चाहना जो हर अजादार को इशारा समझ च आ गया अख दी इबादत हो जासी उत्ते रेशम रुमाल ए सतारा पौड़ियां सी तख्त चाहना बेजन तल्लू गिणो तेरहवीं पौड़ी उत्तू गिणो चौथी पौड़ी ते ई गरीब दे सर अला तश्त रखा छोड़े मैं पढ़ छोड़े तुसा चुप करके सुन छोड़े पिंड दादन खान दे मेरे शिया सुनी भाइयो रखींदा हर कहीं डिठे जिमें बीबी जैनब डिठे ना इवें किसे नहीं वेखे आईंदे हाथी च खिजरान दी छड़ी है
ਜਿਹੜਾ ਛੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਚਾ ਨਾ ਬਈ ਜਾਣ। ਜਵਾਨ ਔਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ 40-40 ਸਾਲ ਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੜੀ ਦਾ ਤਲਵਾਂ ਪਾਸਾ ਲੂਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੇਜ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਡੇਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਈ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਤ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀਏ ਈ ਤਲਵੇਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲੱਭਾਂ 'ਤੇ ਛੜੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ। ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆ ਜਦਾਂ ਤੀਜੀ ਦਫ਼ਾ ਛੜੀ ਲਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਹ 70 ਪੜੀਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸੈਦ ਏ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜੀਏ, ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਲੱਭਾਂ 'ਤੇ ਮਰੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀਏ ਜਦਾਂ ਤੀਜੇ ਦਫ਼ਾ ਛੜੀ ਲਈਏ, ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾ, ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਾਂ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਚੁੰਮਦਾ ਹਾਂ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਬਤੂਲ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 9 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕੱਲੂ ਮਰਹੂਮ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 9 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਸਤੂਰ ਕਦਮ ਬਦਲੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਚਾਹੇ। ਇਹ 70 'ਤੇ ਜੋ ਝਾੜ ਸਹਿ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਯਦ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ ਫਿਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ, ਜੇ 9 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ 9 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਲੀਆ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ, ਅੰਮਾ ਥੱਕ ਪਈ ਉਸੇ, ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਰ ਬਦਲਾ ਚਾ, ਪਿੱਛਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੀ, ਆਲੀਆ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਚਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਵਸੀਅਤ ਯਾਦ ਆਵੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ, ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ, ਆਲੀਆ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨੀ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਇਓ ਹੁਸੈਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਬਹਿਣਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਿਆਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਕਨਾਤ ਕੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਰਤਜੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਮੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਆਖੈਸ, ਅੰਮਾ ਜ਼ਖਮੀ ਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੈਰ ਦੀ ਤੱਲੀ 'ਤੇ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ, ਰੋ ਕੇ ਆਖੈਸ, ਅੰਮਾ ਜੇ ਤੱਕ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਚਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਆਦੀ, ਆਲੀਆ ਮੈਂ ਪੈਰ ਚਾਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੜੇ ਫਵੈਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਰੱਗਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਹਬਾ 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 ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਜ਼ੀਦ ਸੱਜੇ ਡਿੱਠੇ ਖੱਬੇ ਡਿੱਠੇ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਧ ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਰਬਲਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਧ ਆਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਮਦੀਨੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਆਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥ ਖੜੋਤੀ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਦੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਈਫਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਂਢ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਦੇ, ਜ਼ਈਫਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਦਾ ਛੋੜ। ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮੈ ਮਰ ਜਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਛੁੜੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ, ਜੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਂਦੀ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਪੜ ਛੁੜੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਛੋੜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋ ਕੱਛੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੜਾ, ਚੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇ, ਆਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਲੈ ਆਓ। ਈ ਵਾਹ ਜੀ, ਇਤਨੇ ਆ 17 ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਦਫ਼ਾ 70 ਲਿਖੀਏ, ਕਲਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਨੋਕ ਤੇਜ਼ ਆਈ, ਸੁਰਖ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਏ। ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ, ਅੰਮਾ ਪਰਦਾ ਛੋੜ ਡੇ, ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਫਿਜ਼ਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ, ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ। ਇਥਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਵੇਖੀਏ, ਖੱਬੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਬ ਦਾ ਮਸਾਇਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਵਣ ਦਾ ਆਦੀ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਬਈ ਜਨ ਸੱਜੇ ਵੇਖੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵੱਧ ਖੱਬੇ ਵੇਖੀਏ, ਵੱਧ ਪਿੱਛਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਾ
फिजा से रो के पैया दे आलिया आलिया इजाजत दे वे आज आलिम दे दरबार इच मैं फिजा भर दिया सैयदा आलिया दी आवाज भैया दी अम्मा किवें भर दे आलिया दे पासे वेख्या दी आलिया आ सामने सुनहरी कुर्सियां दे मैनू बाबे दी रियाया नजर भैया दी आलिया रो के भैया दी अम्मा बुला शाला कोई कहंदा होए आवाज आंदी अम्मा बुलावे मेरे भेरावां दे माण मरहबा मरहबा जी बाबा मैं नौकर आवाज आंदी बुलावे आज मेरा गाजी होया रोवण आलिया पिंड दादन खान आलिया इजाजत मिलन दी दे रही फिजा कमर सिद्धी की दिए उच्चा वैण करके भैया दियो ओ कुर्सी नशीना थोड़े जो कोई हबशी है थोड़ी है निकलिए पहाड़ आलिया चार हजार हबशी चाचा जी तलवार लेके करीब है हकल मार के भैया दिन कौन है सानू शराबी दे दरबार च बुलावण आली फिजा की आवाज भैया दी हबशी ओ थोड़ा वतन खेड़ दिन संजाबार थोड़े बादशाह दा क्या ना है आशक बोल मादम करने ही मेरे रेखे फिजा दी आवाज आंदी है जिंदे या मर गई है रोक खड़ा दे ज़ईफा मुद्दत हो गई है मर गई है हुकूमत कौन पिया कर दे रोवण वाले अब जी रोक खड़ा दे ज़ईफा उंदी इक धी है जिसका नाम मैमूना हा सताज भवाया तख्त भलाया हा थोड़ा अरसा हुकूमत की दी इस मर्दां दी कौंसल बना के तख्त ताज रैया उन्हां दे हवाले की दे पिंड दादन खाने मैं तेरे मिजाजां तो आके फा चाचा जी जितने बुजुर्ग बैठे हो जिन्हां लफ्जां दी जाखरी नाल थोड़ी धरती को प्यार है मातम खड़ी मेरो देखे फिजा रो के भैया दिए ओ आ शर्मा नहीं यार शर्मा नहीं बाबा आवाज आंदी ओ बकेन गई है रोक खड़ा दे ज़ईफा कोई मदीने दे सही सरवीन उन्हां दी नौकर वंज बणीए असां सुणिए उन्हां दे घर च झाड़ो देंदी है उन्हां दे घर चखियां चलेंदी कोई एडे लजबालिन मुहम्मदी सदेंदा ढुरे अली बैण सदेंदा ढुरे आवाज आंदी हसन दे हुसैन माव दे सदेंदे मरहबा 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 सुभान अल्लाह सारे शामिल होवे ना जिवें थोड़ी धरती ते अताज अज दी रात मिन्नत दी रात नहीं रोवण आलिया फिजा दी आवाज पईयां दी हबशियो हो सकदे ले सुन्नत भाई मजलसी जाए बैठे हो से इन्हां बच्चां नूं भी समझ आ जावे ए भी तुहाडे नाल इबादत ही शामिल होवे फिजा सैन दा असल नाम मैमून है उआ मैमूना तुहानूं दरबार च मिल जावे पहचान वैसो पिंडा दरखान आले आप जी तलवार ने आमे जो गड्डी कदम वधा गया दे कह दिन नोया तेरा चिट्टा सर नोया मैं से गल दा बदला के ना फिजा दी आवाज आंदी केड़ी गल दा बदला दे कुजा शराबी दा दरबार कुजा सारी मलका दना ओ आए नहीं पिंडा दरखान आले आज त्रै जमा दी असानी दी रात हो गई है जेड़ा हाथ रख दे भई जानी सदर दे हाय ते मादम न खरे हकल मार गया दे कुजा शराबी दा दरबार कुजा सारी मलका दना फिजा दी आवाज आंदी हबशी न रो अमीर गरीब होवेंदे रांदन बादशाह उजड़वेंदे रांदन शरीफा दे वक्त आवेंदे दौर न खड़ो पहचानो उआ मैमूना मैया अकल मार गया दे सार झुका मैं तेरा सार कलम करेंदा फिजा दी आवाज आंदी हबशी ओ मेरा जुर्म केड़ा है आदे न मदीने आले सैदां दी नौकरी छोड़िया नाज रसियां पाओ के दरबार ही चावे आ फिजा रो के आदि अखा बंद करो मैं कली ना दरबार ही छैना हायो आई खड़ी है खिलन ना भर जा या नाले हिन वालों खर मातम करना बाबा
जी बाबा हौसले नाल बुजुर्गो मैं नौकर बाबा लख वारी आखा चलो बुजुर्गां दे वेण सुन के एक मोहरा लवेण होर याद आ गई है रोवण आलिया जदा या फिजा गल कीती है सफीर रोम तो कुर्सी छुड़ी है अकल मार गया दे यजीदा तै दख मैं बागी मरे जालिमा तै द नबियां दे सुल्तान दा पुत्र मराए जालिमा मैं दाऊद नबी दी सत्तार भी पुछती जुआ मातम करने मेरे देखे अज तक लोग ब्राह्मण मेरे कंड करके नहीं टुर दिया दे जालिमा दसिया ई गरीब द जुर्म खेड़ा ए कुत्ता हस गया दे हुसैन नमाज नहीं पढ़दा मेरी सैन जैना माँ बन के बैठी है बाबा ली बन के उठिए बीबी जैनब रो के आ दिए मता तो समझे मैं माँ वागो दरबार विचो वाल वैसा ए फिदा कद नहीं मैं दे वीर दखोने मार वैसा बचाड़ा न देसा जितने हाथ रख दे ओ सारे सारदा माता आलिया रो के आ दिए ई वास्ते पाया हायो हाथ रसिया इला लो मरहबा जी बाबा जी वीरण मैं नौकर नौकरां बाबा लख वारी आखा हक बनदा मैं इथे ही छोड़ देवा जिंदगी दा कोई पता नहीं इक होर वेण पढ़ देना जिन्हां वेणा नाल ते को प्यार है भई जान जदा फिजा दी गल मुखी है मैं को मिंबर दी जाती कलसा मैं ऊए ले यजी सजे डिठे भई जान वद खबे डिठे हकल मार किया दे उमर इब्न साद जल्दी कर कैदियां ली फरिश्ते लेके आ कैदियां ली फरिश्ते यजीद दे हाथ ते आई है अली दी वड्डी थी ता भई जान लाहौर दी मलका गाजी दी भैन दा ना पढ़ाइंदा दिल नहीं कंबा जदा अकबर दी माँ लैला दे ना ते दीद पई है यजीद दा दिल कंबे हथू फरिश्त ढह पई है ते को नहीं पता दमें डसैना अली अकबर दी माँ लैला यजीद दी फूफी दी धी है यजीद दा दे उमर इब्ने साद जल्दी कर चादर लाया तकलीफ ने सजदा यजीद दे हाथ चादर आई है जितने अलमा ले दे नौकर हलके दे मादमियो तकलीफ ने सा हाथ बुलंद करो अल्हम्दुलिल्लाह सारा पिंडाल हलके दे मादमी है गाजी दे नौकर है ते को आलिया दी लुटी चादर दवास है मेरे नाल वादा करी वेण ते रोवण ना आवे हाय ते सर दा मातम जरूर करे यजीद लैला तो चादर वधाइए आदे लैला भैने चादर आई सार दे पा ते घर लगी जा जदा भैन सजाया अकबर दी माँ मिट्टी ते छणिए बीबी रो के आ दिए मैं को भैन ना साद तो कातिल है मेरे मास लहांदे अकबर दा कदी भाइया जैसा सामने गिरा।